अगर दक्षिण भारत के संदर्भ में देखें, भक्ति आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त विचारधारा के रूप में सामने आया। इस दौर के भक्त कवियों में जिनमें सूफी विचारकों से लेकर 16वीं और 17वीं सदी के सगुण उपासक राम और कृष्ण भक्त कवियों तक एक युग के तमाम महाकवि शामिल हैं, अपने समय की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर अपनी बौद्धिक और वैचारिक प्रतिक्रिया के रूप में साहित्य की साधना की। इन कवियों की ये प्रतिक्रिया सकारात्मक थी और इसको व्यक्त करते हुए ही वो केवल समाज को और समाज की कुरीतियों को ही अपने साहित्य के केंद्र में रखा करते थे, चाहे ये सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में। साकार ब्रह्म की कल्पना भी इसमें शामिल थी और निराकार ब्रह्म की भी। ये कभी मूर्ति पूजक भी थे और मूर्ति पूजा के विरोधी भी, लेकिन हर हालत में संबोधन ईश्वर का ही था। साहित्य की यह स्वतः स्फूर्त होने के साथ ही दीर्घकालिक और राष्ट्रीय भी थी, इसलिए साहित्य की यह धारा हमें इस दौर में अलग थलग रूपों में सही देश के हर इलाके में देखने को मिलती है। एक तरफ कश्मीर और पंजाब से निकली सूफी काव्य धारा काशी तक पहुंचती है, तो दूसरी तरफ दक्षिण से शंकराचार्य के साथ पनपी शैव विचारधारा उत्तर भारत तक विस्तार करती है। इसी तरह पूर्व से लेकर उत्तर और पश्चिम तक एक अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, चाहे उसे वैष्णवी कहें या राम और कृष्ण की भक्ति, ये विचारधारा एक साथ एक नई तरह के सोपान का सृजन करती है। गजब की विविधता के बावजूद भक्ति आंदोलन की इस परंपरा में एक सार्थक किस्म की समानता भी दिखाई देती है। विविधताओं में एकता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं देखा जा सकता। कहना गलत नहीं होगा कि तमाम तरह के विभेदों के बावजूद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के परिदृश्य में भारतीय आजादी के लिए हुए स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन का आधार भी इसी भक्ति आंदोलन को ही जाता है। भक्ति आंदोलन की चमक पूरे भारत में थी। देश के दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व और पश्चिम तक सभी इलाकों में भक्ति आंदोलन के प्रतीक मौजूद रहे। दक्षिण के गुरुवरूर से लेकर पश्चिम के एकनाथ और ज्ञानदेव, उत्तर के रामानंद से लेकर पूर्व के चैतन्य महाप्रभु तक एक लंबी श्रृंखला है इन भक्त कवियों की, जिनमें नानक, रैदास, कबीर, जैसी, तुलसी, मीरा, रहीम और रीतिकार के अनेक कवि भी शामिल हैं। लेकिन ईश्वर भक्त के संदर्भ में इन सभी कवियों की एक विशेष भूमिका भी रही है। भक्ति का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, लेकिन भक्ति आंदोलन के दौरान इन तरह के भक्त कवियों ने अपनी काव्य साधना में समकालीन सामाजिक सरोकारों पर अपनी खुलकर अभिव्यक्ति दी है। इसी क्रम में सबसे पहले अगर हम दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन पर गौर करें, तो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत ईसा के बाद 7वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में अलवार और नयनार कवियों और उनके भक्त काव्य की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इनके काव्य का आधार शैव और वैष्णव दोनों ही तरह की भक्ति परंपरा पर आधारित था और इसमें उच्च और निम्न दोनों ही वर्णों के कवि शामिल थे। लोकप्रिय होने के साथ ही भक्ति की यह परंपरा समाज को जोड़कर रखने में भी कामयाब रही थी। इसी तरह दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी के दौरान कन्नड़ क्षेत्र में उस समय जातिवादी ताना बाना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, समाज में कुटन की स्थिति पैदा हो रही थी, कट्टरपंथ का पुनवारा था। तब क्षेत्रीय स्तर पर पनवे भक्ति आंदोलन ने उच्च स्तरीय साहित्य का निर्माण किया था। इसी साहित्य ने समाज में चेतना जागृत की और सामाजिक ताने बाने को टूटने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी किया। 11वीं शताब्दी में 1105 से लेकर 1168 के बीच सक्रिय रहे कन्नड़ के इस भक्ति आंदोलन के जनक कवि बसवन्ना थे। उनके साहित्य को वचन साहित्य का नाम दिया गया। बसवन्ना के अलावा एक्का महादेवी और
देवर देसी मैया जैसे अनेक उनके शिष्यों ने भी इस वचन साहित्य में आगे योगदान किया था। वचन साहित्य की सबसे बड़ी खूबी है कि इसने रोजमर्रा की सामाजिक समस्याओं और चिंताओं को आध्यात्म से जोड़कर उनका हल निकालने की एक तरकीब खोजी थी। कहा जाता है कि बसवन्नाथ उस समय कर्नाटक के राजा बिजारा के मंत्री थे। उन्होंने अपने शासकीय अधिकारों का उपयोग करते हुए समाज की विसंगतियों को दूर करने की कोशिश की थी और जब उससे उनको लगा कि काम नहीं हो सकता तो उन्होंने कविता के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया। बाद में उनके और कई शिष्यों ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। कर्नाटक समेत पूरे भारत में भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समरसता की एक नई चेतना जागृत की थी। भक्ति की यह काव्यधारा पूर्ववर्ती भक्ति परंपरा से इस मायने में अलग थी कि इसमें हर व्यक्ति के ईश्वर के साथ तार सीधे जोड़े गए थे। इसके माध्यम से सादा जीवन, उच्च विचार का संदेश भी जनता को दिया गया था और जनता को इसी बहाने दासता से मुक्ति का मार्ग भी बताया गया था। साहित्य के संदर्भ में इस आंदोलन की विशेषता इस रूप में देखी जा सकती है कि इसने कविता को राजा की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीतों से मुक्त किया था और जनता का ईश्वर के साथ सीधा तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश की थी। जहां तक काव्य शैली का सवाल है, इस दौर के साहित्य की भाषा आम जन के करीब और आसानी से समझ में आने वाली थी। इसमें स्थानीय लोकोक्तियों और मुहावरों के उपयोग से उसे सर्वग्राही बनाने की कोशिश भी इस काल की कवियों ने की। भाषाई सर्वग्राहिता की यह परंपरा कर्नाटक के वचन साहित्य से शुरू होकर उत्तर भारत के कबीर, सूर, तुलसी, रसखान, दादू, नानक तक सभी के काव्य में एक जैसी ही दिखाई देती है। सहज, सुलभ और आमजन की समझ में आने वाली इस भाषा के इस्तेमाल से भक्ति साहित्य सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। संस्कृत जैसी अभिजात्य और जटिल भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय स्तर पर बोली और समझी जाने वाली भाषा में साहित्य की रचना के चलते ही भक्ति आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मजबूत हुआ। पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखें, दक्षिण भारत के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा सदी के पश्चिम इलाकों में भी एक सदी के बाद ही सही भक्ति काल की काव्यधारा का सूत्रपात हुआ। इन इलाकों में अलग अलग रूपों में काव्यधारा के दर्शन होते हैं। पश्चिम के इन भक्त कवियों में संत नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम और नरसिंह भगत जैसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरे 400 साल तक अपने अपने हिसाब से भक्ति परंपरा की लौ चलाई रखी। इस पीढ़ी के अंतिम कवि तुकाराम अपने समय के ऐसे कवि थे जिन्होंने शूद्र वर्ण में जन्म लिया था और तब इस समाज के इस वर्ण को ईश्वर की भक्ति करने का या कविता लिखने का अधिकार नहीं था। ये उन्होंने एक तरीके से उन्होंने बागी रूप अपनाया और बागी रूप अपनाते हुए भी तुकाराम सौदागर भी बने और बाद में कवि भी बने। सौदागर तुकाराम ने तत्कालीन ब्राह्मण समाज के तमाम विरोध के बावजूद धार्मिक मामलों पर बेधड़क होकर लिखा और वो भी संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा मराठी। एक तो किसी शूद्र का धार्मिक मामलों पर लिखना, वो भी संस्कृत में नहीं आम मराठी लोगों की भाषा में, इसके चलते ब्राह्मण वर्ग का नाराज होना स्वाभाविक था। लेकिन संत तुकाराम ने हार नहीं मानी। इसका परिणाम यह निकला कि ब्राह्मण तबके ने उनके साहित्य की मूल प्रतियां नदी में बहा दी, जिनके विरोध में तुकाराम ने आवरण अनशन शुरू कर दिया।